हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त और होस्ट ऑलराउंडर गेमिंग। और गाइस, हमारे सेकंड चैनल एआरजी ब्लॉग में एक और न्यू ब्लॉग वीडियो आ चुका है। तो आप लोगों ने अगर इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो जाके जरूर देखना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो आज का पहला न्यूज है नूब गेमर बिबेफ के बारे में। तो आप सभी को पता होगा कि उनका ब्लॉग वीडियो आने वाला है। तो इसके ऊपर बिबेफ ने ये कहा कि उनका एक ब्लॉग नहीं बल्कि तीन तीन ब्लॉग आने वाला है। और ये सब ब्लॉग वीडियो कब कब आएगा इसके बारे में बात करते हुए बिबेफ ने क्या कहा, सुन लीजिए। वैसे ब्लॉग आएगी, ठीक है, 1 तारीख को ब्लॉग आएगी। तो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, लगातार 3-3 ब्लॉग आएगी, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का बॉयस। और इसी के साथ ही वो बहुत जल्दी GTA 5 के ऊपर वीडियो बनाएंगे और ये GTA 5 का एक सीरीज वीडियो होगा। तो कब वो ये GTA 5 सीरीज वीडियो ला सकते हैं इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, देख लीजिए। तो बोल दो, एंड गाइस, GTA सीरीज अभी आने वाली है, अभी नए साल में GTA सीरीज आने वाली है। किसी को लाइक जो लोग बोल रहे थे GTA ये ठीक है या फिर नहीं, यस या फिर नो, GTA के ऊपर वीडियो, GTA 5 के ऊपर वीडियो, यार मुझे अभी भी मन है यार। और गाइस, अभी तक हमारे चैनल को 40% से भी कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है और 60% से भी ज्यादा लोग जो हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको तहे दिल से शुक्रिया। और जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। तो आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारा अगला न्यूज है गेमिंग ओरा के बारे में। तो कुछ दिनों से गेमिंग ओरा अपने चैनल पे एक्टिव नहीं है। तो क्यों वो इन दिनों अपने चैनल पे एक्टिव नहीं है इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने अपने इंस्टा पे ये स्टोरी शेयर करते हुए लिखा कि वो पिछले एक हफ्ते से हर दिन 2-2 इवेंट का कास्टिंग करने में बिजी है और इसी के वजह से वो इन दिनों अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर नहीं पाए। पर गेमिंग ओरा ने ये कहा कि वो बहुत जल्दी अपने चैनल पे फिर से एक्टिव हो जाएंगे। अगला न्यूज है रोकेन आरडीएक्स के बारे में। तो अभी तक शायद उनके चैनल के किसी भी टूर्नामेंट पे गुची गैंग की टीम ने नहीं खेला। तो इसके ऊपर किसी ने रोकी भाई को ये कहा कि आप गुची गैंग को खेलने के लिए बुलाओ। तो इसके जवाब में रोकी भाई ने ये कहा कि वो गुची गैंग को बुला नहीं सकते क्योंकि इससे कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आप लोग खुद सुन लीजिए कि इसमें रोकी भाई ने एग्जैक्टली क्या कहा था। अबीरा बॉय वाईटी गुची गैंग को बुलाए ब्रदर, मैं बुला तो लूं, वरना मैं बुला लूंगा फिर गाइस बंदे कंट्रोवर्सी करना शुरू कर देंगे मेरे साथ कि आपने गुची गैंग को क्यों बुलाया यार। तो इसलिए जो है मैं झगड़े और झगड़े से थोड़ा दूर रहता हूं, मेरे को बुरा मत समझिएगा, मेरे को किसी से प्रॉब्लम नहीं है। बट द थिंग इज दैट कि मैं किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहता हूँ, मैं बस अपना खुश रहना चाहता हूँ और आप लोगों को खुश देखना चाहता हूँ बस। बाकी मैं नहीं चाहता कि मेरे से कोई एक भी बंदा नाराज हो। गुची डैनियल वॉन्ट्स टू प्ले स्पोर्ट्स, सो प्लीज कॉल गुची गैंग रॉकी मामू। मतलब आई कैन कॉल बट द थिंग इज दैट कि मैं अगर उनको बुलाता हूँ तो कंट्रोवर्सी ना हो, बस मुझे और किसी चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं जैसा कि आपको बोला ना, मैं किसी से डरता हूँ ना मैं किसी से नफरत करता हूँ। द प्रॉब्लम इज दैट कि मैं किसी झगड़े में या किसी हेट्रेड का वो नहीं करना चाहता सामना, मैं बस चुपचाप जो आप लोग देखना पसंद करते हैं वो दिखाना चाहता हूँ, अपना मजे से लाइव स्ट्रीम करना चाहता हूँ और ऑफलाइन पे अपने ब्लॉग्स डालना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं पहले ही वादा कर चुका हूँ कि घर आने के बाद रॉकी भाई और किसी झूठ झमेले किसी झगड़े में, आप देखिए कमेंट में मुझे कोई गाली भी देता है मैं बोल देता हूँ ब्रदर आई लव यू टू, आप अभी भी मेरे भाई हैं। मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ किसी भी झगड़े में, मैं खुश रहना चाहता हूँ। और इसके साथ ही रोकी भाई ने ये कहा कि उनके चैनल के लिए न्यू स्पॉन्सर मिल चुका है और इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही आपको उनके चैनल में फिर से सभी टूर्नामेंट देखने को मिल जाएगा। पर अभी तक रोकी भाई ने ये नहीं बताया कि कौन से कंपनी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो अभी देखते हैं कौन से कंपनी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और कल से नया रैंक सीजन शुरू हो चुका है और इसमें काफी सारे लोग अपने टीम के साथ रैंक पुश करने लग गए और कल काफी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर भी अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम करते हुए रैंक पुश कर रहे थे और इनमें से कुछ यूट्यूबर ऐसे है जो कल रात को ही ग्रैंड मास्टर पहुंच गए। और इन सब यूट्यूबर का न्यूज हमने हमारे चैनल पे पहले भी कवर किया था, पर इनमें से कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो अपने खुद के रियल आईडी से नहीं बल्कि डबल रैंक टोकन वाला आईडी खरीद के ग्रैंड मास्टर गए और इसके बारे में तब आपको पता चलेगा जब आप उनके प्रोफाइल में जाके देखोगे। उस आईडी का गेम लेवल काफी कम है, उसमें लाइक्स भी काफी कम है और उसमें बैज और इलाइट पास भी ठीक से खरीदा नहीं। तो इसी के ऊपर स्काई लॉर्ड ने अपने इंस्टा पे ये स्टोरी शेयर करते हुए कहा और इंडिया ऑफिशियल फ्री फायर को टैग करते हुए लिखा, बिगेस्ट बैटल रॉयल गेम बट वर्स्ट
पोस्ट मैच मेकिंग, 2x टोकन और ब्रैकेट में लिखा था इनडायरेक्ट चीटिंग और साइड में लिखा था नॉट ह्यूमंस आरआईपी मैथमेटिक्स। तो कल 12:01 से पहले जो ग्रैंड मास्टर गए थे उनमें से ज्यादातर लोग ही डबल रैंक टोकन वाले थे, बस इन्होंने दूसरों के डबल रैंक टोकन वाले आईडी खरीद के उसमें अपना नाम लगा के खेला था। तो ये एक तरीके से बाकी प्लेयर के साथ अनफेयर है, क्योंकि जिनके पास डबल रैंक टोकन नहीं है उनको ग्रैंड मास्टर जाने में और भी ज्यादा टाइम लगेगा। और इसमें सबसे गलत बात ये है कि इन सब अनफेयर चीजों को कुछ यूट्यूबर भी प्रमोट करते हैं जिनको इतने सारे ऑडियंस फॉलो भी करते हैं। तो इन सब के बारे में आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। और इसके साथ ही कल जब अनगेजुएट गेमर रैंक पुश कर रहे थे तो उनको एक मैच में हैकर मिल गया जिसके वजह से उनका रैंक माइनस हुआ, और इसके ऊपर अनगेजुएट गेमर ने अपने चैनल पे वीडियो भी अपलोड किया और आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये है वो हैकर का आईडी जिसने अनगेजुएट गेमर को मारा था। तो बस आपको इस बार ज्यादा हैकर तो नहीं मिलेंगे, पर फिर भी आपको अगर हैकर मिलता है तो आप लोग उन्हें रिपोर्ट कीजिए और आप लोग हैकर की वाईडी का स्क्रीनशॉट लेके इंस्टा पे इंडिया ऑफिशियल फ्री फायर को टैग कर सकते हो। और ये अगर सच में हैकर निकलता है तो इसके आईडी को बैन कर दिया जाएगा। और आपको अगर अनगेजुएट गेमर का ये वीडियो देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं टोटल गेमिंग के बारे में। तो अभी तक टोटल गेमिंग ने अपना फेस रिवील नहीं किया, पर उन्होंने काफी बार ये बोल चुके हैं कि वो अपना फेस रिवील करेंगे 2025 के अंदर। पर उन्होंने ये कहा कि वो अगर फेस रिवील करते हैं तो उसके बाद क्या होगा और लोग उनके साथ कैसे ट्रीट करेंगे। तो इसके ऊपर टोटल गेमिंग ने क्या कहा देख लीजिए। अब ऐसा होगा कि लाइक अगर मैंने फेस रिवील कर दिया तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, फेस रिवील के बाद भी मेरे को कोई इज्जत नहीं मिलेगा। मेरे फ्रेंड मतलब फ्रेंड तो नहीं बोलेंगे, ऑफिस के साथ में जिसके साथ काम करता हूँ, दूध लेने की जो दूध की बाटली आती है रात को लेने के लिए मेरे को ही जाना होगा, जो दूध की बोतल आती है लेने के लिए वो कोई नहीं जाएगा, मेरे को ही भेजेगी वो लोग, क्योंकि छोटे है ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सर वो सब आती है। फेस रिवील के बाद यार क्या हालत होगा जरा सोचो यार, मैं पानी पूरी की लारी पे पानी पूरी खा रहा हूँ यार। हाँ बोलो, मजाक तुम नहीं खा पा, मैं बोल रहा हूँ तुम। अरे मैं वही बोल रहा हूँ, पानी पूरी की लारी पे पानी पूरी नहीं खा सकता। पानी पूरी मतलब कि गोलगप्पा, फिर पकोड़ा खाने के लिए बारिश में गया, वड़ा पाव खाने के लिए वो भाई गर्मा गर्म वो चीजें नहीं खा सकता। मतलब यार मेरे को लगता है ये तो पॉसिबल है यार, कौन सा यार इतनी सारी जनता भाई, इतनी सारी बस्ती है उनमें कौन मेरे को पहचाने यार, ये तो मेरे को अजीब ही लगता है, तो मेरे को मतलब हजम नहीं होती बात यार अमित भाई कि खा नहीं पाएंगे वैसी बात तो यार। बट मेरे को इतना ऑड नहीं लगता पता है, बाहर फोर अलाइव है नहीं, भाई फेस रिवील के बाद भी, फेस रिवील के बाद भी अगर हम गाड़ी पे ऐसे चले जाएंगे तो मेरे को नहीं लगता कोई हमें मतलब पहचानेगा, क्योंकि यार इंडिया की तुम देखो ना बस्ती कितनी है, पॉपुलेशन देखो कितनी है, उनमें से सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस बोलता हूँ, बाहर कुछ नहीं होगा, तुम फेस रिवील करोगे तुम्हारा लोकेशन ऑटोमेटिक लोकल सबको पता चल जाएगा, लोकल एरिया के 5-10 किलोमीटर सर्कल में आराम से। तुम्हारे स्कूल से मान लो तुम्हारे गाँव से कोई बंदा, तुम्हारे शहर से, तुम्हारे फ्लैट से, कहीं से भी कोई स्कूल पढ़ता है कहीं पर पढ़ा, वो स्कूल में जाकर पॉपुलेशन आएगा, आलोक आर्मी आ जाएगी, कोई कॉलेज जाएगा कॉलेज में सुनाएगा कि वो यहाँ पर रहता है, ये वो सुनाई देगा 100% श्योर है। तो एक महीने में लगभग पूरा लोकेशन तुम्हारे एरिया सिटी में पूरा फैल जाएगा, उसके बाद में तुम्हारे गली बोलोगे कि भाई आने है। मतलब देखो ऐसा नहीं मिलने आए नहीं आने, नहीं आने अच्छी बात है, एक दो दिन तुम भी अच्छे से मिलोगे, लेकिन अब वो चीज सिली हो ना तो तुम्हारे भी एक प्राइवेसी प्रॉब्लम आ जाएगा, लाइक डेली डेली। अरे मीटअप देखो मैं अगर मैं वेस्ट बंगाल में मीटअप करता हूँ अमित भाई, फेस रिवील के बाद जो आपका सिटी है वहां पे वेस्ट बंगाल के अंदर, तो कितने लोग मिलने को आ सकते हैं, 300-400 लोग आ जाएंगे ज्यादा, फिर मैं मेरे पास 100 नहीं सॉरी हजारों की मात्रा में, लाखों की तादाद में आई थिंक। नहीं भाई अब वो तुम्हारे सब्सक्राइबर बेस देखो, तुम्हारा बेस तुम पहले ही अरेंजमेंट करो ना कि मैं कहां पर आऊं, तो उस हिसाब से करना पड़ेगा, जहां पे ज्यादा बोलेंगे जहां पे ज्यादा होंगे वहीं है। और इसी के साथ ही बहुत जल्दी ही एस गेमिंग का फेस्टिवल का वीडियो आएगा, और कल उन्होंने अपने इंस्टा पे अपना फेस्टिवल वीडियो शूटिंग का क्लिप शेयर किया। और 1 जनवरी से आपको गेम में न्यू बर्मुडा मैप देखने को मिलने वाला है, और इसके ऊपर इंडिया ऑफिशियल फ्री फायर ने अपने इंस्टा पे ये फोटो शेयर किया। और इसी के साथ फ्री फायर ने ग्लोबली वन पंच मैन के साथ कोलैब किया है, और आपको अगर नहीं पता कि वन पंच मैन क्या है तो आपको मैं बता दूं, वन पंच मैन जापान के काफी पॉपुलर एनिमेशन सीरीज है। तो इसी के साथ फ्री फायर ने कोलैब किया है और इसका अपडेट आपको जनवरी में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कुछ अचीवमेंट के बारे में। तो क्रेजी गेमर फ्री फायर ने कंप्लीट कर लिया है 300 के सब्सक्राइबर, और टू साइड शॉर्ट ने कंप्लीट कर लिया है 300 के सब्सक्राइबर, सो कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। तो ये था आज का कुछ न्यूज और कुछ अचीवमेंट। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। और आप लोगों ने अगर अभी तक हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो हम मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।